ऑपरेटिव। लॉजिस्टिक, इसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट, उसके बाद है जी मास्टर डाटा। ठीक है, मास्टर डाटा के अंदर है जी मटेरियल। ओके, हम मटेरियल करना है हमने क्रिएट। ठीक है। सबसे पहले तो बहुत चीजें क्रिएट करना है। ठीक है ठीक है ठीक ये जनरल जनरल करना है हमें, क्रिएट मटी क्रिएट जनरल। है ठीक यहां पे डबल क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी, है ठीक है ठीक या फिर यहां पे MM01 लिखे के एंटर करेंगे तो यही स्क्रीन खुलेगी। है ठीक है। बाद क्या करना है हमने जी, मटेरियल खोलने के लिए सबसे पहले हमें इंडस्ट्री बतानी पड़ती है कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी है, जो ठीक जिस है ठीक कंपनी में भी हम कार कर रहे होंगे उसकी कोई ना कोई इंडस्ट्री टाइप होगी। है ठीक है ठीक यहां पे मैं ले लेता हूँ जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ठीक उसके बाद मटेरियल टाइप कि हमारी टाइप कौन सी है, किस टाइप का मटेरियल हम ओपन करने जा रहे हैं। है ठीक है इसके अंदर देखें स्पेयर पार्ट भी है, इसके अंदर फिनिश प्रोडक्ट भी है, इसके अंदर हमारा सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी है, इसके अंदर हमारी सारे के सारे जितनी टाइप के मटेरियल हो सकते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं इसके अंदर कर लेता हूँ जी सबसे पहले रॉ मटेरियल। है रॉ मटेरियल को ओपन करने के लिए हमें बेस व्यूज का पता होना चाहिए कि मटेरियल जो है हर मटेरियल के ऊपर डिफरेंट व्यूज लगते हैं। व्यू क्या होता है, ये सिलेक्ट व्यू लिखा वाली, व्यू क्या होता है कि इस आइटम कोड के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका कंट्रोल, बेसिकली कंट्रोल है क्या, इन फ्यूचर इसके ऊपर हो क्या सकता है। बेसिक वन ठीक जो है ये हर आइटम कोड के ऊपर लगता है कि हमारा बेस है ठीक इसका बेसिक कोड में क्या होता है जी, इसका नाम आज हम बेसिक कोड ही करते हैं बल्कि, है ठीक है ठीक जैसे बेसिक कोड के ऊपर क्लिक किया तो सिस्टम ने उसका एक बाई डिफॉल्ट नंबर लगा दिया। सिस्टम कह रहा है जी इसका नाम बताएं, मैं कहता हूँ है जी ठीक ये है जी मार्कर, को मार्कर है, को पेन है, या फिर कोई भी चीज जो हम परचेज करते हैं, कोई फर्नीचर है, कोई ठीक सी है, ठीक है। फिर है उसके बाद बताना होता है जी इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या ठीक है, बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हम इसको बताते हैं जिसका बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो पीसीस में हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ठीक है ठीक है है, ये पीस के अंदर आ गया जिसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिर इसका ग्रुप क्या है, ग्रुपिंग जो है ये मैंने आपको सब पहले डेमो में शायद आपको बताया था कि सबसे ऊपर मटेरियल टाइप्स होती है, फिर उसके ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स के बाद फिर आइटम खुलती है, कुछ याद है आपको। ओके इतना नहीं लेंगे तो मुझे ग्रुप का क्या मतलब ग्रुप किस ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं ना इसको मार्कर ग्रुप पोजीशन क्या है, देखिए मैंने सबसे पहले जो मटेरियल खोलने जा रहा हूं उसकी टाइप मैंने ली सबसे ऊपर रॉ मटेरियल। ठीक रॉ मटेरियल है के अंदर ठीक ग्रुप मैं ले रहा हूं मार्कर का, या मैं ग्रुप लेता हूं स्टेशनरी का, या ग्रुप मैं लेता हूं पेन का, रबर का, तो ये ग्रुपिंग इस ठीक तरह है बना ठीक सकते हैं सिस्टम के अंदर। है ठीक 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 है ठीक है ठीक है अब फिर इसके अंदर होता है जी इसका इसका नाम मार्कर, मार्कर कौन सा ठीक जी है ठीक ब्लू, मार्कर है कौन सा ठीक ब्लैक, मार्कर कौन सा, ये इसका नाम हो सकता है। है ठीक है ठीक उसके बाद इसका आ जाता है यूनिट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये परचेज होगा तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, या स्टॉक हमने देखना तो किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है ठीक है उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद बेसिक टू में ये जितनी भी बाकी फील्ड है ना आपको नजर तो आ रही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा दी हुई है, जैसे ओल्ड मटेरियल नंबर, अच्छा जैसे कि एक चीज है मार्केट में चल रही है तो इसका आज से 10 साल पहले कोई क्या नाम था, इसका 5 साल पहले क्या, कोई ठीक ओल्ड इसका कोई वेरिएंट है तो आप इसका नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, चाहे है ठीक है ठीक कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है तो यहाँ पे उसका जो पुराना स्टैंडर्ड क्या था वो यहाँ पे दे सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है ठीक है ग्रुप के अंदर ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाता है एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप। एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप क्या होता है कि आपके पास एक ग्रुप है उसका कोई और नाम है, इसी चीज को अगर मार्केट में किसी और नाम से जाना जाता है तो आप यहाँ पे उसका एक्सटर्नल मटेरियल ग्रुप दे सकते हैं, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है या फिर इसकी इतनी चाहिए डिवीजन कि आपकी डिवीजन कौन सी है। ठीक
ये डिवीजन होती हैं कि एक ही प्लांट के अंदर मल्टीपल डिवीजन हो सकती हैं। एक प्लांट ठीक है। है लंदन में, तो लंदन के अंदर डिफरेंट डिवीजन हो सकती हैं, किसी सिटी में है, किसी सिटी में है, तो उसके अंदर फर्दर डिवीजन जो है वो हो सकती हैं। ठीक है ठीक है उसके अंदर लैब ऑफिस क्या है, उसका प्रोडक्ट, ये वो चीजें हैं जो इसका ग्रॉस वेट कितना है, इसका नेट वेट कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसके साइज डायमेंशन कितना है, इसका इंटरनेशनल यूनिट ऑफ जो नंबर है वो कौन सा है। तो ये वो चीजें हैं जो हर जगह पे यूज नहीं होती, लेकिन एक टेक्स्ट फील्ड है जहां पे हम डाटा इनपुट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक है, जो हर जो यूज होती है, जिनका इस्तेमाल जो सबसे ज्यादा है, वो है जी इसका नाम क्या है, इसका यूनिट ऑफ ठीक है मेजरमेंट क्या ठीक है। है ठीक है ठीक अच्छा, उसके बाद आ जाता जी इसका, ये दो करके मैं इसको कर रहा हूँ जी सेव, है ठीक ये नंबर एक लग गया, है सेव। अच्छा सेव ठीक है सेव ठीक ये एक और लग गया है, एक एक का 3। ओके, है ठीक है इसकी रिपोर्ट है जी MM60। ठीक इसको मैं क्लिक करता हूँ, MM60 के अंदर आइटम कोड देता हूँ और इसको यहां से करता हूँ एग्जीक्यूट। ये देखें है नंबर ये क्या लिखा हुआ है, आ गया मटेरियल नंबर ठीक इसका नाम क्या आ गया, है ठीक ये कब क्रिएट हुआ है, है ठीक क्रिएट किसने किया है ठीक है, और है इसका ठीक यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। है ठीक है ठीक है जी, इसी तरह ठीक फिर है ठीक मास्टर डाटा सिस्टम के अंदर खुलता है आपका फिनिश आइटम का, आपका सेमी फिनिश आइटम का, आपके रॉ मटेरियल का। आज की जो है आपकी ठीक है असाइनमेंट चलो है ना, वो ये है कि आपने कल, आपका नेक्स्ट सेशन कब होगा हमारा, तो थोड़ा डे होगा ना काफी डे होगा अच्छा दूसरा प्रवीण साहब मेरा एक मशवरा है कि हम आपके लिए, आपकी फेवर के लिए इसको कंटिन्यूअसली करेंगे तो आपको रिमाइंड इजिली रहेगा, आपको याद रहेगा, एक फ्लो में चीज चलेगी, तो आप उतना ज्यादा सीख सकेंगे जितना आपके वीकेंड के ऊपर एक दो दिन करें, या आप बाकी आपके सुजेशन आएगा जिस तरह कहेंगे वो कर लेंगे। मैं आज आज क्या वेंसडे है ना आज बुधवार है ना ठीक है तो आज बुधवार है तो हम मतलब या तो ट्राई करते हर 2 दिन में कर ले क्या बोलते हो। ये आपने बताना है अपनी अवेलेबिलिटी के ऊपर कि आप कब अवेलेबल है। ये भी ठीक है अगर आप यही कहते हो ना कहते रहो कि मतलब अगर आप अभी आज जैसे वेंसडे हुआ है कल मैं करता हूँ फिर आप हम फिर फ्राइडे फिर करते हैं ठीक है, ताकि ही वीक में कम से ठीक कम 3 क्लासेस आप कर लें कम से कम मेरे। हाँ वही 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 कर लेते हैं वही कर लेते हैं तो ऐसे कर हाँ लेते फ्राइडे कर लिया फिर एक और फिर फ्राइडे कर लिया एक मंडे कर लेंगे फिर ठीक है ना ऐसे कर लेंगे हर दो हर वीक में 3 कर लेते क्लासेस 2 की जगह ठीक ठीक है, मैं है ना आपको ऐसे लेके चलूंगा जैसे आप बिल्कुल, आपको पता ही कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ आपको मैं, तो इसके भाई लिए आपकी भाई प्रैक्टिस ऐसे काफी ही है। है ऐसा ही है जीरो ही हूँ मैं नहीं, जीरो से मतलब लेके आप वैसे जीरो नहीं है, आप वैसे भी मैं कह चलो लेके चलो मैं जीरो ही हूँ नहीं हूँ इस मामले में रहा पूरे जीरो हूँ मैं लेके चलने की बात ही असली थी हाँ, यही तो ठीक आप इसके लिए आपका मुझे ना वो चाहिए, वो मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा मैं प्रैक्टिस जो भी देते रहूंगी करता रहूंगा मैं कल से अपने नोट्स प्रैक्टिस, भी बना हाँ जी प्रैक्टिस आपकी लाजमी है मुझे अब। अच्छा एक, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ठीक MM01, ठीक है, एंटर किया, कौन कौन सा व्यूज लेना है हाँ ठीक मैं व्यूज बढ़ा रहा हूं। ये है जी बेसिक कि इसका नाम क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, ये तो हर एक के अंदर होगा ही, क्योंकि बगैर नाम के कोई भी चीज सिस्टम में नहीं खुलती। ऐसे ही करो उसके बाद आ जाते हैं इसकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसने सेल्स होना है फ्यूचर में, सेल होना, तो सेल्स के व्यू लगेगा इसके ऊपर, ये सेल्स के। ठीक है ठीक है ठीक उसके बाद अगर इसने परचेज भी होना है तो परचेज का व्यू भी लगेगा। है ठीक है ठीक उसके बाद ये है प्रोडक्शन के व्यूज, ये वाले MRV 1 2 3 4, और ये है ठीक स्केड्यूलिंग, है ठीक और इसके बाद है जी स्टॉक स्टोरेज के ऊपर, स्टॉक हमने देखना है कि नहीं देखना,
ठीक है है, ठीक है वेयर ठीक हाउस है मैनेजमेंट, इसके ऊपर वेयर हाउस चलाना है कि नहीं चलाना, हमने क्वालिटी करनी है कि नहीं करनी क्वालिटी, अकाउंटिंग इसकी कोई वैल्यू सिस्टम में होगी नहीं कि नहीं होगी, कॉस्टिंग करनी है कि नहीं करनी, ये चीजें क्या होती हैं कि किसी भी आइटम कोड को खोलने के लिए ये चीजें बताई जाती हैं सिस्टम को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक एंटर किया जैसे ही तो सिस्टम मुझे बताता है, सबसे पहले इसका प्लांट बताओ। है ठीक है ठीक प्लांट मैंने आपको बताया था कि प्लांट क्या होता है कि एक कंपनी के ऑर्डर के अंदर डिफरेंट प्लांट आपके होते हैं। है ठीक है ठीक इसको मैं खोलता हूँ, लिस्ट खोलता हूँ, तो सिस्टम के अंदर इतने प्लांट जो है वो आ रहे हैं। है ठीक है इसका स्टोर क्या है, कौन सा स्टोर के ऊपर होगा ये, ठीक इसके सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, अभी मैं सिंपल ये दो प्लांट चीज। बस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लांट तो समझ आ गया। जैसे प्लांट हुआ मान लो कल लंदन हो गया तो प्लांट के अंदर लंदन में दो दो जगह है, एक तो लोकेशन वो हुई। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि आपकी एक प्लांट के अंदर आप अगर दो तीन बंदे चीजें सेल कर रहे हैं तो आप वहां पे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक कोई मतलब ये टीम होती है, जैसे टीम है या क्या है ये ये करने एक भी वाला? हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, जैसे आपका एक प्लांट है लंदन के अंदर, एक प्लांट है लेकिन उसके चार जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हमने की है वो चार सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, चार ग्रुप हमने उसको बना दिए हैं कि चार ग्रुप है जो सेल कर लेकिन रहे हैं। देखिए प्लांट जो होता है ना, प्लांट प्लांट के ऊपर आपका होता है ठीक स्टॉक, है लेकिन जो सेल्स होती है ना, सेल्स स्टॉक को नहीं, सेल्स स्टॉक में नहीं होती, एक स्टॉक है, अगर एक स्टॉक को चार बंदे सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चार ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट पीछे एक ही है, ये सेल्स का हाँ पार्ट तो समझ में आता। वही मैं कह रहा हूँ। जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली लोग है, मतलब टीम है, मतलब जो बंदे सेल कर रहे हैं ना। हाँ प्लांट आपका एक हो सकता है और एक प्लांट के ऊपर मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपकी हो सकती है ये, और दूसरा ये सेल्स अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कंपनी बेस कंपनी कोड के ऊपर होती है, अच्छा सबसे ऊपर कंपनी कोड है उसके नीचे आपका प्लांट होता है। अच्छा ये ठीक है। हाँ जैसे वो जैसे तो आगे आगे चलेंगे ना, जैसे जैसे आपको ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अब ये ना इसके ऊपर कोई भी इस वक्त प्लांट के ऊपर ना लोकेशन नहीं खुली हुई, इसके अंदर ना बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कॉन्फ़िगरेशन डाटा जो होता है हमारा, है हाँ कॉन्फ़िगरेशन डाटा है इसके ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट बिल्कुल, ये जो हम जिस सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छा अब अच्छा मैं क्या करूंगा, सुबह इसके ऊपर एक कंपनी कोड खोलूंगा, उसके ऊपर उस ठीक पर है प्लांट खोलूंगा, स्टोरेज लोकेशन खोलूंगा, फिर जिसकी बेस पे हम आगे एंट्री कर सकेंगे, क्योंकि जो ईआरपी सिस्टम है टोटली इंटीग्रेटेड है हमारा, हर एक मॉड्यूल हर दूसरे मॉड्यूल के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेट है, तो ठीक उसके लिए अगर परचेज करनी है तो परचेज के लिए अकाउंट्स की सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम होनी चाहिए, प्रोडक्शन की जो है परचेज की और ये हमारी सेल्स की, ये सारी चीजें सिस्टम के अंदर होंगी तो हम फर्दर इसके ऊपर काम कर सकेंगे। लेकिन आप अभी शुरू करें, मटेरियल जो है वो खोलना शुरू करें, ठीक है इसको एक खोलें, दो खोलें, 10 खोलें, 50 खोलें, कोई इशू नहीं है, ये आप पे डिपेंड ठीक है करता है कि आप इसे कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके ऊपर आप सिंपल बेसिक बेसिक का डाटा ले लें, ठीक है ठीक 1 2 एंटर करें, ये स्क्रीन खुल जाएगी, इसके ऊपर इसको कोई भी नाम दें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ये लें जी, मैंने आपका नाम खोल दिया। है। मेरा नाम है प्रवीण, प्रवीण नहीं पी क्या चीज है, आ पी आर ए वी PRA, डब्ल्यू ए ना प्रवीण हाँ ओके, और ये नाम ये पीस कर इसको सेव कर दिया मैंने। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अब इसको मैं दोबारा MM60 में आ रहा हूं, है ठीक ये टी कोड लिखने हैं तो लिखते जाएं, बाकी आपको याद भी हो जाएंगे अगर सिस्टम में लेने हैं है। तो ये। ये जो हम कर रहे हैं ये रिकॉर्डेड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, कि अगर जी मुझे जी सुनना पड़े वो बाद में। रिकॉर्ड हाँ हो रहा है तो MM60, ठीक है ठीक है इसके ठीक ऊपर किया मैंने, इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखें है यहाँ पे भी आपका नाम आ गया, यहाँ पे भी आपका नाम आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे लॉगिन करके दिखाएं, आपको लॉगिन करना आता है इसके अंदर। हाँ हाँ लॉगिन मैं करता हूँ।
और तीन चेन तो ये चेन अपने एक रूम है। शेयर स्क्रीन के ऊपर करें। और ये बोलिए भी आई नहीं है। हो गया नहीं लोडिंग हो रही। शेयर स्क्रीन के ऊपर करके क्लिक करें और आपको नीचे विंडो खुलेगी। ये मैंने किया शेयर स्क्रीन किया है उसके ऊपर वो आती है फिर स्क्रीन और मैंने कहा शेयर मैं शेयर कर रहा हूँ देखो शेयर किया है तो शेयर के बाद ऊपर चली जाती है। देखो मैं कौन से बताता हूँ दिखाता हूँ खोलता हूँ फोन पे करूँ मैं वीडियो कॉल नहीं, एक सेकंड, हो जानी चाहिए स्क्रीन शेयर। देखो ये ऐसे आ रही है अभी अगर मैं देखो ये है ना ये आया शेयर स्क्रीन करना ये वाला ना तो जी, ये शेयर स्क्रीन किया और फिर ये शेयर किया ये का किसके क्लिक किसके ऊपर है? स्क्रीन के ऊपर ही है। ये ना शेयर स्क्रीन है ना जैसे एक व्हाइट बोर्ड है एक शेयर स्क्रीन पे किया मैंने ठीक है ना तो हाँ, इधर शेयर का बटन आया ये देखो शेयर आया ठीक है दबाऊं उसको तो दबाए, इसको प्रेस किया तो ये ऐसे ऊपर चला जाता है आ गया आ गया। आगे हो गई ओके चलो ओके, ठीक और करें लॉगिन इसको। ये देखें, एक सेकंड, हाँ जी यहाँ पे सिस्टम बता रहा है जी, आपका ये जो यूजर है टर्मिनल इस आईपी के ऊपर सैफुला के नाम से ऑलरेडी लॉगिन है। ठीक है, अब सिस्टम कह रहा है जी क्या आप टर्मिनेट लॉगिन करना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू विद लॉगिन है। इसको आपने सेंटर में कंटिन्यू करना है कि मेरा भी चलता रहे आपका भी चलता रहे। ओके, ये ठीक है और स्क्रीन आ गया आपका। सारे सर्विस मास्टर पे जाना ना ये मास्टर अटैक हमें ठीक मटेरियल, ठीक है। ओके, मटेरियल ये है दादा जनरल जनरल ये है मैम 01। जनरल ठीक नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बैक करें इसको। ओ सॉरी 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 इसकी इंडस्ट्री टाइप ले, इसकी इंडस्ट्री सेक्टर ले इसका। हाँ ओके 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 कुछ भी लेते हैं पूरी इंडस्ट्री ले लेते हैं रिटेल रिटेल ले लें इधर से टाइम भी देना पड़ेगा रॉ क्लिक करें, रॉ मटेरियल।